जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है एक नए मेहमान जिनका हाल ही में RRB NTPC एग्जाम के तहत चेन्नई बोर्ड में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम उनसे कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, उन्होंने अपने किस तरह से मेहनत की, तो इन सब चीज़ों को हम लोग उनसे जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आइए मिलिए हमारे आज के नए मेहमान रवि जी से। स्वागत है रवि जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद आशुतोष हमें अपने इस चैनल पर बुलाने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं शुरुआत से। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। दरअसल मेरा नाम ब्रजमोहन कुमार है, मेरे घर का नाम रवि कुमार है। जी जी, मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने टेंथ कब किया था और किस बोर्ड से किया था? मैंने टेंथ बिहार बोर्ड से ही की थी। अच्छा, और 2010 में की थी। हाँ, तो आपने टेंथ के बाद पढ़ाई को आगे कैसे कंटिन्यू किया? मैंने टेंथ के बाद 2012 में 12वीं की। अच्छा, इसके बाद। अच्छा, 12वीं में आपका क्या बैकग्राउंड था, आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स? मेरा साइंस ही। अच्छा, साइंस ही आपने किया, फिर आगे आपने? फिर अनफॉर्चुनेटली 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हो नहीं पाया था, तबीयत खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैथ ऑनर्स था। अच्छा, तो आपके मन में कब विचार आया कि अब जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू की जाए? दरअसल मेरा तो बैकग्राउंड साइंस था, तो मैं चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, पर मेरे पास ना तो उतने पैसे थे ना ही टैलेंट था। मैं सब दिन से एवरेज स्टूडेंट रहा। अच्छा, मेरे टेंथ में 68% है, ट्वेल्थ में 69% है और ग्रेजुएशन में 66% है। तो इस हिसाब से मैं उस समय के हिसाब से एवरेज था, उतना अच्छा नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि यही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर अच्छा, तो रवि जी आपका ये RRB NTPC का एग्जाम है, आपका पहला ही एग्जाम था या फिर इससे पहले भी आप कोई एग्जाम दिए हुए हैं? जी, कई सारे एग्जाम दिए, कुछ में क्वालिफाई किए, कुछ में क्वालिफाई नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, जैसे आपने कौन सा एग्जाम इससे पहले दिया? RPF वाला था। अच्छा, उसी समय वैकेंसी आई थी 2018 के आसपास। अच्छा अच्छा, तो उसमें मैं क्वालिफाई कर गया था पर उसमें दौड़ नहीं पाया। अच्छा, आप उसमें रिटन एग्जाम निकाल दिए थे बट उसमें आपका दौड़ नहीं हो पाया था। जी जी। अच्छा अच्छा, और एक और बिहार पुलिस सिपाही वाला था। अच्छा अच्छा, उसमें भी रिटन पास कर गया और अच्छा, दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने? उसके बाद 2019 में NTPC की वैकेंसी आई। अच्छा, तो थोड़े लंबे समय के बाद आज फाइनल रूप से मैं चेन्नई जोन में स्टेशन मास्टर के पद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उन्होंने NTPC एग्जाम के पहले भी 3-4 एग्जाम दिया था, लेकिन वो उन एग्जाम में किसी कारणवश असफल हो जाते थे, लेकिन इतनी सारी असफलताओं के बाद भी इन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और आज ये यहाँ पर स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। तो रवि जी, आपने NTPC एग्जाम के लिए किस तरह से तैयारी किया था? आपने सेल्फ स्टडी किया था या फिर कोई टीचर्स की सहायता लिया था आपने? जी, शुरुआत में तो मैंने बेसिक के लिए ट्यूशन ही ली थी ऑफलाइन टीचर से। यस, ऑफलाइन टीचर से ट्यूशन ली थी और उसके बाद सेल्फ स्टडी ही की थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद कोई ऑनलाइन टीचर्स की सहायता आपने? हाँ, थोड़े बहुत सेल्फ स्टडी के बाद जो प्रॉब्लम आते थे तो उसके लिए आप ऑनलाइन टीचर्स को फॉलो कर, यूट्यूब पे कई अच्छे टीचर हैं जो मदद करते हैं। अच्छा, उन्हें आप फॉलो कर लेते हैं? जी जी। अच्छा, तो रवि जी, रेलवे NTPC एग्जाम के सिलेबस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कई सारे व्यूअर जो देख रहे होंगे जानना चाह रहे होंगे, आप इन सभी सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किया? सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की, मैथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड मैथ ही था, तो मैथ में उतनी समस्या नहीं थी। अच्छा, BSc में तो आपका बैकग्राउंड मैथ ही था। जी जी, पर फिर भी जब हमने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की तो शुरू में कुछ बेसिक्स चाहिए थे, तो उस वक्त कोचिंग ली थी और फिर बाद में मैंने ऑनलाइन कई सारे सर हैं जिसमें अभिनय सर हैं जिनको मैंने फॉलो किया। अच्छा, आपने अभिनय सर का फॉलो किया था? जी जी, उनका बुक भी बनाया, बहुत अच्छे। अच्छा, मैथ्स के लिए आपने अभिनय सर का ही बुक बनाया? जी जी, उसमें अर्थमेटिक और एडवांस भी होते हैं, दोनों के लिए आपने अभिनय सर को फॉलो किया था या फिर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे की? जी, मैंने रीजनिंग तो ऑनलाइन ही, ज़्यादा उत्कर्ष चैनल है जिनकी मदद ली मैंने रीजनिंग कम्प्लीट करने के लिए। उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल है। जी जी, और बाकी बच्चे जब हम सेट लगाते थे, टेस्ट बुक का सेट लगाते थे, तो बाकी रीजनिंग सब वैसे ही प्रैक्टिस होते रहते हैं। ऑनलाइन सेट लगा लिया, रीजनिंग उतना मुश्किल भी नहीं है। तो अच्छा, रीजनिंग के लिए आपने कोई ऐसा बुक जो फॉलो किया? नहीं, कोई स्पेशल बुक तो नहीं है। बुक आपने फॉलो नहीं किया, वही ऑनलाइन ही टेस्ट बुक पे सेट लगाया, कहीं से भी क्वेश्चन सेट बनाना होता है तो सेट के माध्यम से क्वेश्चन मिलते थे और थोड़े बहुत यूट्यूब क्लास यूट्यूब से क्लास।
उसका आपने सारा कवर हो गया। अच्छा, तो अब आते हैं जीके जीएस और करेंट पे। जीके जीएस और करेंट की तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में काफी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो जरा आप इस पे बताइए इन सेक्शन को आपने कैसे कवर किया था। जी, मैंने जीके जीएस की तैयारी तो लुसेंट बुक से ही की थी और यूट्यूब से भी प्रवीण सर हैं जिनका चैनल है एडुटेरिया। अच्छा, आपने उनकी भी मदद ली और भी कई उत्कर्ष हैं उनका भी मदद लिया। अच्छा, तो आपने लुसेंट बुक के अलावा कोई और बुक जो आपने फॉलो किया जीके जीएस के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो लुसेंट ऐसे जीके के लिए बहुत अच्छे। अच्छा, फिर आपने करेंट के लिए कैसे कवर किया, करेंट में आपने कैसे किया? जी, करेंट भी मैंने एडुटेरिया का ही बुक आता है करंट अफेयर्स का, वो। अच्छा, आपने करंट के लिए एडुटेरिया का ही बुक लिया था? जी जी। और ऑनलाइन क्लास कोई करंट के लिए? नहीं, करंट के लिए कोई ऑनलाइन, बस वही एडुटेरिया बुक से। एडुटेरिया का, अच्छा, एडुटेरिया काफी है करंट के लिए। अच्छा रवि जी, आप अपने तैयारी के दौरान डेली रूटीन में आप अपने पढ़ाई पर कितना देर समय देते थे, या फिर जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं इसका उन लोगों को कितना देर समय देना चाहिए? चूंकि सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है और मैं बच्चों को पढ़ाता था, क्लास टेंथ तक ट्यूशन देता था। अच्छा, आप पढ़ाते भी तो, थे? हाँ, मेरा जो बचा हुआ समय था वो हम देने की कोशिश करते थे, तो करीब 6 से 7 घंटे तो दे ही देते थे। अच्छा, आप लगभग 6 से 7 घंटा आप पढ़ाई कर लेते थे अपना? जी जी। अच्छा रवि जी, अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, इसमें काफी सारे बच्चे लोग असफल हो गए, तो उन सारे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जी। मेरा खुद का 2018 में ग्रुप डी नहीं हुआ था और आज 2019 वाले वैकेंसी में मैं यहाँ इस पोस्ट पे हूँ, स्टेशन मास्टर पद पे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर ही है। सही बात। तो थोड़ा इंतजार करें, पेशेंस रखें और तैयारी करें, पूरे दिल से तैयारी करें, मेहनत करें, मतलब उन लोगों को और अच्छे से भी तैयारी करने की जरूरत है। जी जी, अपने ऊपर विश्वास रखें। अच्छा रवि जी, हमने आपसे बहुत सारा सवाल किया जिसका आपने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। एक सवाल जो पूछना जरूरी भी है, आप इस अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायता की हो? जी, सबसे पहले तो मैं अपने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने चाहने वालों को देना चाहता हूं। जी। इसके अलावा मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की। एक है रजनीश जी, जिन्होंने 2018 वाले वैकेंसी में टेक्नीशियन की पोस्ट ली। हम लोग भी फॉर्म भरे थे उस समय, पर उसमें हमारी आप लोग उसमें नहीं सफल पाए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो क्वालिफाई कर गए थे, तो वो एज ए मोटिवेटर हम लोग को मोटिवेट करते रहे। अच्छा, और अच्छा। हम लोग अपना तैयारी जारी रखे। और मुकेश जी, उन्होंने टीचिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया। मैं उनके कोचिंग में 10वीं तक का क्लास लेता था जिसमें मैं मैथ और साइंस पढ़ाता था, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए फायदे के रूप में काम किया, तो मैं मुकेश जी को भी श्रेय देना चाहता। अच्छा रवि जी, अंत में आपसे एक आखिरी सवाल जो पढ़ाई से अलग होगा, जो कि आपके पर्सनल लाइफ पे होगा। आपकी जॉब लग गई है, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं? जी, दरअसल मैंने इस बात का भी सोचा नहीं है, तो कुछ दिनों बाद ये माता पिता ही सोचेंगे, करीब 1-2 साल बाद ही सोचेंगे, वही सोचेंगे जो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपको इतना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चेन्नई बोर्ड में नए नियुक्त हुए स्टेशन मास्टर रवि जी। आप लोगों को हमारा इनके साथ वार्तालाप कैसा लगा कमेंट जोड़ करके बताइएगा। मिलेंगे फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।